रीवा बाईपास इटावा के पास एक बार आज फिर बाइक और ओमनी की आमने सामने की भिड़ंत में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। छह लोग गंभीर रूप से घायल होकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंच गए। घटना का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है तेज रफ्तार वैन और मोटरसाइकिल किस तरीके से टकराती हैं। मोटरसाइकिल टकराने के बाद सड़क से उतरकर नीचे चली गई, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति की और उसकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। आज दोपहर रीवा बाईपास एक बार फिर खून से रंग गया, जहां पर तेज रफ्तार ओमनी वैन और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। मामला विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इटौरा बाईपास के पास। एक्सीडेंट कितना भयावह था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। एक्सीडेंट होने के बाद ओमनी कार से टकराकर मोटरसाइकिल चालक सहित सभी सवार चारों लोग सड़क से नीचे जा गिरे। घटना पूरी तरीके से सीसीटीवी फुटेज में कैद होकर रह गई। रीवा के समान थाना डायल हैंडर चलाने वाले राजेश कुशवाहा और उनकी पत्नी आराध्या कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी भावना कुशवाहा और बेटे आयुष कुशवाहा की हालत भी गंभीर बनी हुई है, जिनको रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करके उनका उपचार प्रारंभ कर दिया गया। वहीं एक्सीडेंट में जिस ओमनी से टक्कर हुई उसमें सात लोग सवार थे। सात के सातों लोग इलाहाबाद के झूसी से जा रहे थे मैहर, वहां से दर्शन करके लौटते समय उनकी वैन मोटरसाइकिल से टकरा गई। उसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनको भी संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तीन लोग मौके से फरार हो गए थे, पुलिस ने जिसमें से एक लोग को पकड़ लिया है। घटना पूरी तरीके से सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाने जा रहे हैं। साथ ही हमने विश्वविद्यालय थाना प्रभारी से बात की, उनका क्या कुछ कहना था ये भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, एक बार फिर से एक्सीडेंट में नेशनल हाईवे खून से रंग गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहाँ से बाइक और कार से घटना हुई है। एक को 100 डाल ले गई थी और हम पहुँचे, तीन पेशेंट हम लेके आए हैं। उसके बाद भी अभी एक आध दो पेशेंट वहाँ पे हैं। कितने लोग की डेथ हो गई है क्या समझ या कंफर्म तो नहीं है, एक या दो लोगों की घटना हुई। एक का पाव कटा है, रोड पे ही पड़ा है, बच्चा एक छोटा सा जा पा, ये अभी कोई जानकारी नहीं है, ये पर्ची कटने के बाद ही पता चल पाया। कार से एक्सीडेंट हुआ कुछ? कार और बाइक का, जो पब्लिक वहाँ बताई कार और बाइक से। कितनी बाइक भिड़ी है उसमें? ज्यादा जानकारी नहीं है अपने को, बस पहुंचे अपन पेशेंट लेके निकल। लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे इसमें? लगभग तीन हम लेके आए हैं, एक 100 डाल लेके चार, लगभग छः सात लोग हैं। शुभ नाम आपका? अनिल कुमार द्विवेदी। एम्बुलेंस जी, एम्बुलेंस। सर ये आज एक सड़क दुर्घटना हुई आपके थाना क्षेत्र में जी, ये कैसे सड़क दुर्घटना हुई और इसमें कितने लोग घायल हैं और कितने लोग? जी एक मोटरसाइकिल जा रही थी रतहरा बाईपास से टोरा तरफ और एक मारुति वैन जा रही थी जो कि इलाहाबाद की है। इसमें मैहर से कुछ लोग दर्शन करके लौट रहे थे, जो इलाहाबाद तरफ जा रहे थे मैहर से। वो ये एचपी पेट्रोल एचपी गैस एजेंसी है एक बाईपास में, उसके सामने पहुंचे थे। इन दोनों में आमने सामने की टक्कर हुई है, जो ऐसा देखने में लग रहा है कि शायद ओवरटेक करने के चक्कर में इनकी टक्कर हुई है। इसमें मोटरसाइकिल में जो सवार व्यक्ति थे, जो चालक थे, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। उनके साथ एक बच्ची थी 3 साल की, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। जबकि दो लोग अलग, एक महिला और एक 7-8 साल का बच्चा घायल हैं, जो इलाज के लिए SGMH में भर्ती हैं। इसके अलावा जो वैन थी, तो वैन में करीब 7-8 लोग बैठे थे, जिसमें से 4 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें से एक की हालत जो है नाजुक है। जी मैहर से दर्शन करके ये जो है इलाहाबाद जा रहे थे। और नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, डॉक्टर से इसमें क्वेरी कराई जाएगी। जो भी घायल हैं, अगर कोई नशा संबंधी बात पाई गई तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है अमर कायम करके जांच में लिया गया है और इसके बाद अपराध कायम करके भी जांच में लिया जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।